हेलो माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो रहेगा, अगर आपके मसूड़े बहुत जल्दी जल्दी फूल जाते हैं या मसूड़ों में सूजन रहता है जिसकी वजह से आपके मुंह में स्मेल आने लगी है, मसूड़ों में से खून आता है, ऐसी काफ़ी सारी मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ घरेलू इलाज जिसकी वजह से आप अपने मसूड़ों को पहले की जैसे हेल्दी कर सकते हैं, मसूड़ों की सूजन ख़त्म कर सकते हैं। आपके मसूड़ों से अगर खून निकलता है तो उसको भी आप पूरी तरीके से रोक सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जो मसूड़े होते हैं वो कुछ कारणों की वजह से सूज जाते हैं, फूल जाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि कुछ टाइम आपके मसूड़े फूले हैं और फिर थोड़े टाइम बिना किसी इलाज के वो मसूड़े ठीक हो गए। इन चीज़ों को हम लोग कहते हैं कुछ ट्रॉमा से अगर आपका हुआ है, यानी अगर आपने ब्रश बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के कर लिया है जिसकी वजह से आपके मसूड़े इरिटेट हो गए हैं और उसमें स्वेलिंग आ गई है, वहाँ का मसूड़ा फूल गया है। काफ़ी ऐसा होता है कि अगर आपके जो मसूड़े हैं वो किसी गंदगी की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से या किसी भी कारण की वजह से, कोई भी अंडरलाइंग प्रॉब्लम है यानी कोई भी डिजीज़ की वजह से अगर आपके मसूड़े फूल रहे हैं तो उसके साथ साथ में क्या रहता है कि आपके मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है, मसूड़ों में पस बनना शुरू हो जाता है, मसूड़े ढीले पड़ने लगते हैं या मसूड़े दांत से जगह छोड़ के नीचे जाने लगते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में हमें फ़र्क करना है कि हो सकता है आप कभी आपके दोनों दांतों के बीच में अगर खाना फंसता हो, तो कई लोग टूथपिक का यूज़ करते हैं जिसके हेल्प से वो अपने दोनों दांतों के बीच का खाना निकालते हैं। तो अगर आप ऐसे टूथपिक का यूज़ करते हो तो इसका यूज़ ना करें, इसकी जगह डेंटल फ्लॉस का यूज़ करें, क्योंकि आप जब भी ऐसे कुछ यूज़ करते हो तो उसकी वजह से वहाँ के जो मसूड़े हैं वो इरिटेट होते हैं और वहाँ से फूल जाते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि आपके दांतों के ऊपर अगर गंदगी है, परत है, प्लाक का डिपोजिशन है, कैलकुलस का डिपोजिशन है, तो भी आपके मसूड़े फूल जाते हैं। इसको आप घर पे ही रह के किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? जब भी आप ब्रश करते हो तो आपको अपना जब भी ब्रश आपको सेलेक्ट करना है उसको बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है। अगर आपके दांतों पे बहुत जल्दी जल्दी टाटर जम जाता है, बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलस जम जाता है, इसका मतलब है कि आपको आपका ब्रश चेंज करने की ज़रूरत है। तो उस समय आप क्या कीजिए, अगर बहुत जल्दी जल्दी आपके दांतों में टाटर जमता है तो आप मीडियम ब्रिसेस वाला भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट वाला ना यूज़ करके बीच बीच में आप मीडियम ब्रिसेस वाला भी यूज़ कर सकते हैं। डेली रूटीन में आप सॉफ्ट वाला रखिए और बीच बीच में आप मीडियम वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि थोड़ा बहुत भी अगर टाटर जमा है तो वो वहाँ से निकलता रहेगा, जिसकी वजह से आपके मसूड़े जो हैं वो सूजेंगे नहीं। इसी के साथ आप क्या कर सकते हो कि जब भी हम ब्रश करते हैं उसके साथ साथ हमारे मसूड़ों की भी मसाज होती है, जिसकी वजह से हमारे मसूड़े में भी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है और मसूड़े भी काफ़ी हेल्दी रहते हैं। तो इसके साथ साथ आप और भी क्या कर सकते हो, एक होता है कि हम गम मसाजेस करते हैं, यानी मसूड़ों की भी हम उतनी ही केयर करते हैं जितनी हमें दांतों के लिए ब्रशिंग की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से मसूड़ों को भी ज़रूरत होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास में एलोवेरा जेल है तो वो जेल लेके आप अपने फिंगर पे ले और इस तरीके से अपने मसूड़ों की रोज़ गोल गोल करके ऐसे पूरी तरीके से मसाज करें, नीचे भी मसाज करें, ऊपर भी करें। काफ़ी बार अगर अंदर की साइड के भी मसूड़े सूज जाते हैं तो अंदर की साइड भी आप एलोवेरा जेल से मसाज कर सकते हैं। अगर आपके पास प्योर एलोवेरा जेल नहीं है, जो मार्केट में आते हैं वो वाले एलोवेरा जेल आपको यूज़ नहीं करने हैं, आप अपने गार्डन से या फिर एलोवेरा की लीफ, यानी आपको बहुत ईजीली मिल जाती है, उसके अंदर से आप वो जेल निकाल लें और उसका आप नॉर्मली तरीके से यूज़ करें। इसी के साथ में आपको गुनगुना पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उससे रोज़ कुल्ले ज़रूर करने हैं। इससे आपके जो मसूड़ों में जितना भी इन्फेक्शन है उसको क्योर करने में ये पानी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। इसी के साथ में हम बात करते हैं कि आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके जब भी मसूड़े सूजते हैं या फिर आपके कुछ मसूड़े सूजा हुआ, यानी कई लोगों का ऐसा होता है कि उनका पूरा यहाँ से लेके कंप्लीट जो मसूड़े वो सूजे हुए हैं, वहीं पे कुछ लोगों का रहता है कि सिर्फ इतने हिस्से के मसूड़ा सूजा है, इतने हिस्से का सूजा, या कुछ पोर्शन का मसूड़ा उनका सूजा हुआ है। तो ग्रीन टी बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो आप ग्रीन टी ले लीजिए, ग्रीन टी के बैग आप यूज़ कर लीजिए, ग्रीन टी पी लीजिए। ग्रीन टी भी आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। ग्रीन टी का जो बैग है, मतलब ग्रीन टी आपने पी ली है उसके बाद में जो बैग बच गया उसको आपको फेंकना नहीं है, जहाँ पर आपके मसूड़े सूज रखे हैं आपको उस जगह पर वो रख लेना है। आप उसको 5 से 10 मिनट रखें और फिर उसको हटा दें। इसी तरीके से अगर आप करते रहते हैं तो आपके जो मसूड़ों की सूजन है वो पूरी तरीके से चली जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, काफ़ी लोगों का ये रहता है कि हमने डॉक्टर के पास जाके सफाई करवा ली है, उसके बाद भी हमारे मसूड़ों से खून निकलना बंद नहीं हो रहा है, हमारे मसूड़ों से में सूजन आ जाती है बहुत जल्दी जल्दी। एक बार जब सफाई करवाई थी तब मसूड़ों की सूजन ठीक हो गई, बट उसके बाद भी बहुत जल्दी वापस आ गई है। तो उसके लिए आपको डेली रूटीन में अपना जो माउथ वॉश होता है, काफ़ी लोग अपने डेली रूटीन में माउथ वॉशेज़ यूज़ नहीं करते हैं,
तो आपको अपने घर में एक माउथ वॉश रखना है, जैसे आप ब्रश करो उसके बाद में आप माउथ वॉश कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या रहता है कि आपके मसूड़ों जितने ढीले पड़े हुए हैं उनके अंदर से भी वो उसको अच्छे से क्लीन कर देता है। उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कि आपकी जहाँ पर सूजन आई हुई है उसको वो कम करने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है। तो आपको मैंने आज कुछ घरेलू नुस्खे बताए हैं, आप ये घरेलू नुस्खे अपने नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मसूड़ों में सूजन आना, मसूड़ों से खून आना, ये सारी प्रॉब्लम आपकी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको घरेलू नुस्खे यूज़ करके कोई फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको भी अपने सूजे हुए मसूड़े या मसूड़े बहुत बार फूल जाते हैं और आप इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आप अपना ट्रीटमेंट हमसे करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नीचे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।